चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती, उनने मोई रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मोई बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतेक दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ ग्वालियर आ रही थी तो मेरे कई साथियों ने मुझे मुद्दे भेजे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है और मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए। जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी, उन सुझावों को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ज्यादातर नकारात्मक बातें थी और मेरे मन में ये बात आई कि क्या हमारी राजनीति आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फंस गई है? क्या इससे आगे भी कोई राजनीति हो सकती है? इससे बढ़कर भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जनता की मतलब की बातें हों? देखिए, भारतीय राजनीति की नींव स्वतंत्रता के आंदोलन से मैं डली थी। स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था, तो सत्य की लड़ाई थी, तो हमारी पूरी राजनीति की जो नींव है वो उसी लड़ाई में है, तभी डली। तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो। प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शौहरत की राजनीति है, और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहां खड़े होकर ये कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन दो दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने
जैसे सब धान 22 पसेरी, सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि ये कितना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला, और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं, 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं, ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है, इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है, समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी, सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा।
उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है, कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति एक या दो बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी, जहां से आपको रोजगार मिलता था उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है, यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होके वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे तो घर आकर क्या करेंगे। वहां भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है? आज शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई, उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में, देखिए। एक बात है, देखिए दो बातें, इंसान
इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया, कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं, फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या, 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। महंगाई, बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है, जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, और अत्याचार हमेशा उन्हीं पर होते हैं जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप सब ने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं, आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की तो हम बात ही ना करें, हर रोज बलात्कार होता है। एक तरफ आपके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं इनकी सरकार के, और दूसरी तरफ ये खबरें कि किसी भाजपा के नेता के बेटे ने किसी के का बलात्कार किया है, उसका आरोपी है, या फिर किसी महिला की छेड़छाड़ की है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब आपको समझाना जरूरी भी है, लेकिन मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में होता है, सबसे ज्यादा। और मेरी समझ ये है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती, जो भी निर्णय है उसका आदर लोकतंत्र को करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। यह निर्णय क्या है कि अगले 5 सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले 5 सालों में देखा? और इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरे नौजवान भाई बहन बताइए, आप में से कितनों को रोजगार मिला है? मेरे किसान भाई बहन यहां हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? नहीं हुई। 5 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं? यहां व्यापारी होंगे, छोटे दुकानदार वाले भी होंगे, रेहड़ी पटरी वाले भी होंगे,
क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं, आप कितनी मेहनत से कमाते हैं, कुछ नहीं बचता आपके पास। और जो आप पर सत्ता है, जो जिनके पास सत्ता है, जो आप पर राज कर रहे हैं, आलस के बावजूद घोटाले पे घोटाले कर करके कमा रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान महल हैं उनके, बड़े बड़े बिजनेस वालों के साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन आपके पॉकेट में, आपके जेब में एक पाई नहीं बचती। आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरूक नहीं बने हैं। मैं आप ही को दोषी ठहराऊंगी कि आपकी जागरूकता में कमी है। आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की, उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है? आप ये नहीं पूछती कि आपके लिए इतनी महंगाई, और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है, उनकी कितनी कमाई है? मैं बताती हूँ, 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है, जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं 1600 करोड़ रुपए एक दिन में। और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप एक ईमानदार सरकार चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप इस सरकार को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जो आपके लिए दिन रात एक करके काम करे कि नहीं? आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, 1600 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के वजह से। युवा जो होता है वो आशा रखता है, महत्वाकांक्षाएं होती है उसकी, माँ बाप के लिए कुछ करेगा, कमाएगा, घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा। आज वो सारे सपने तोड़ दिए हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दिलवाए, जो आपको मजबूत बनाए, जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे कि नहीं? मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा कि बेटा, ये जो राशन की बोरी तुम्हें दी जाती है, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं सबसे पूछती थी, एक ऐसा नौजवान नहीं था जिसने कहा मुझे राशन की बोरी दो, एक नहीं था। जितने भी नौजवान थे, चाहे जितने गरीब हों, चाहे छोटे छोटे से घर में रहते हों, वो सब कहते थे हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार के लिए खुद कमाना चाहते हैं। और इस सरकार ने आपको निर्भर बनाने का काम किया है। आपको राशन पर निर्भर करेंगे या आपको अपनी फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर खड़े होने का काम नहीं करने देंगे। इसीलिए कांग्रेस जो है वो आपके लिए कुछ वादे कुछ गारंटी लाई है। जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी, तो मैं इस आधार पर कहती हूं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में, चाहे आप कर्नाटका में,
चाहे आप हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप राजस्थान में देखें, तो जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है। जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जीवन के लिए सुरक्षा। मतलब कि नौकरी 20-25 साल नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा, आपको एक सहारा मिलेगा। वो सहारा आज नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को। सरकार कहती है पैसे नहीं है इसके लिए। तमाम सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के पैसे हैं, आपके पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। इसीलिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां पुरानी पेंशन आज लागू है, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं। हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है, उसके लिए बुढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक घोषणा ये है, गारंटी, कि पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी। और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2600 रुपए धान मिल रहा है। 2600 रुपए आपको मिलते हैं धान के लिए। जहां पे हिमाचल में हमारी सरकार है, वहां जो वादे किए उनको पूरा करने का काम शुरू है। कर्नाटका में कहा था कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त में मिलेगी, आज महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है। और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो ना खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो 5 सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविष्य को मजबूत बनाए। एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। आपकी जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जितनी बड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनको सुलझाने का काम पहले दिन से शुरू होना चाहिए। और कमलनाथ जी से मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूँ। अभी रास्ते में मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपए है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी ज़रूर बढ़ाइएगा।
देखिए, ये ग्वालियर चंबल की धरती है। जैसे मैंने कहा, झांसी की रानी की धरती है। बड़े बड़े यहां से महापुरुष हुए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए जी जाने की। ग्वालियर चंबल बारे अब की जी मामा जी की भ्रष्ट सरकार बदलवे बारे है। बोलो, बदलवे बारे है ना? ठीक बोल रही हूं? और बोलो आपकी भाषा में। एक बार हमारे संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आपने मेरा इंतजार किया, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। मैं आशा रखती हूँ कि आप इन बातों को भूलेंगे नहीं, और चाहे जिस भी पार्टी का नेता आपके सामने आए, मंच पे खड़ा हो, आप उससे ये जरूर पूछिए कि आपके मुद्दों पे बात करें और आपके लिए वो क्या करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।